राजस्थान के जयपुर में जमीन मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी है। नींदड़ गांव में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA के खिलाफ 51 किसान गड्ढे खोदकर उसमें खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में 16 महिलाएं भी शामिल हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण अपनी आवास योजना के लिए यहां 1300 बीघा जमीन लेना चाहता है, लेकिन किसान 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन लेने की मांग कर रहे हैं। किसान प्राधिकरण से 1,75,00,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जमीन मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने सही मुआवजा नहीं दिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। जमीन मुआवजे को लेकर किसान इससे पहले जनवरी में 4 दिन तक जमीन सत्याग्रह कर चुके हैं। 2 करोड़ रुपए की वो बात कह रहे हैं, हम 25,00,000 की उनको छूट देते हैं। 1,75,00,000 रुपए आप प्रति बीघा के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे दीजिए, हम ये आंदोलन अभी समाप्त कर देंगे। लेकिन जेडीओ ने जो बात बोली थी उसमें पूरे उतरते नहीं कहीं भी। उन्होंने बोला था जिसका खेत है वहीं पे जमीन देंगे और जो 5% जमीन आएगी वो 200 करोड़ रुपये देंगे, लेकिन इसमें जेडी वाले तो आनाकानी करते हैं। 1 महीने का पीरियड लिया था पहले, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। 1 महीने छोड़ के 1 साल हो गई पूरी। तो सरकारों को यही बताना चाहते हैं कि किसान अब इतना बोला नहीं रहा, अपनी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हमारा ये धरना हटाएंगे नहीं, हमारी जो वाजिब मांग है उसको लेके ही रहेंगे। तो जमीन समाधि सत्याग्रह चालू है जयपुर में, 3 दिन हो गए। इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता और पूर्व विधायक अमरा राम जी, आपका स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये जो किसानों की मांग है आप इसको कितना जायज़ मानते हैं? बिल्कुल, ये 101% जायज़ है। जब 1-1.5 साल पहले आंदोलन किया था, मैं भी किया था, फिर पूर्ववर्ती सरकार के वक्त समझौता हुआ था, लेकिन आज तक भी वो लागू नहीं किया गया, क्योंकि सरकार की जमीन तो ये समझते हैं, JDA जो भ्रष्टाचार का गट है राजस्थान में, वो समझता है किसान की जमीन तो उनके बाप दादाओं की जमीन है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी सब कुछ चली गई 1,300 बीघा में। उन परिवारों का तो केवल जीवन का आधार ये जमीन है, और 2013 का कानून जो इस देश की संसद में करीब करीब सर्वसम्मत रूप से पास किया था जी। और उसका मुआवजा नहीं दे करके किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं इसके खिलाफ नींदड़ का किसान अकेला नहीं है, अखिल भारतीय किसान सभा जो बार बार राजस्थान में वसुंधरा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकारों को दुखाकर किसान को जीत दिलाने का काम किया है, वो किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा उनके साथ है, और निश्चित रूप से अभी भी समय रहते हुए राजस्थान की सरकार को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। JDA के अधिकारी जो मुख्यमंत्री कुछ ही दिनों पहले कह चुके हैं कि ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, इसलिए 101% न्याय संगत इनकी मांग है। देश की संसद का कानून अभी बदला नहीं गया है। अमरा राम जी, जरा इतिहास में जाते हैं, ये कब जमीन जो लेना शुरू हुई इस आवासीय योजना के लिए, ये कितनी पुरानी, ये योजना के लिए कब जमीन सबसे पहले ली गई और उस समय का क्या मुआवजा मुकर्रर किया गया था? असल बात ये है कि आज जमीन बसावट के लिए लेने की जरूरत नहीं है, कई लाख फ्लैट आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में बने हुए हैं, हाउसिंग बोर्ड के लाखों मकान है जो आज तक जयपुर में बने हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है, देने वाला नहीं है, तो आज जरूरत का नई जमीन लेने की, केवल ये अपने मुनाफे के लिए अपने। यानी आपका कहना है कि कुछ किसानों की इसमें सहमति नहीं थी जब उन्होंने पहले अपनी जमीन दी गई, क्या उनकी रजामंदी नहीं थी? नहीं थी, ये कौन किसान की रजामंदी होगी, ये तो जबरदस्ती अधिग्रहण की काम जरूरत है। अगर 2013 का कानून कहता है 70% अगर रजाबंदी होगी जब उस किसान से लिया जाएगा, रजाबंदी हो तो फिर आंदोलन के साथ दिखता है ये जी। इससे पहले ये भी बताया गया कि ये मामला हाई कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस तरह की बात आई जहां पर JDA को सही माना गया और किसानों को बोला गया कि उनकी ये मांग जायज नहीं है, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में किसान अगर JDA और किसान लड़ेगा तो आपको पता है कौन हारेगा कोर्ट की। देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक किसान
लड़ नहीं सकता, सब मिलके भी लड़े हैं तो वो वकील खड़ा नहीं कर सकते, इसे नेचुरली है। किसी भी कोर्ट में जाएगा तो किसान ही हारेगा, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान के पक्ष को सुन करके न्याय संगत निर्णय करके अगर सरकार को लेना ही है तो 2013 के अनुसार कानून में जो भी प्रावधान है देश की संसद में सर्वसम्मत किया है उसका मुआवजा दे और उसके बाद में ले है। लेकिन आवास के लिए जमीन लेने की आज की तारीख में राजधानी जयपुर में जरूरत नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरा राम जी इस जानकारी के लिए।